सिंगरौली के वैढ़न में ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के लोगों से आसपास हो रही अवैध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस को देने की बात कही गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक व थाना प्रभारी अरुण पांडे की उपस्थिति में ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर का ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भदौरिया द्वारा स्वागत किया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने सम्मेलन में कहा कि सुरक्षा समिति के सदस्यों को अपने आसपास आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही घटना होने से पूर्व स्थानीय थाना को सूचना देनी चाहिए ताकि अपराध में कमी आए और वहीं अपराध होने से रोका जा सके। सम्मेलन के दौरान कहा गया कि पुलिस की कमी के कारण पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती, इसीलिए शासन के निर्देशानुसार ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस मौके पर लोगों को फर्जी चिटफंड कंपनियों के झांसे में ना आने की हिदायत भी दी गई और सलाह दी गई। आज हमने ग्राम रक्षा और नगर रक्षा समिति का सम्मेलन बुलाया था, उसमें उनके ड्यूटी, उनकी कर्तव्य के बारे में एक बनसाप थी ताकि उनको अपने दायित्वों के बारे में बताया जा सके, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके, पुलिस की क्या अपेक्षा है और उसको कैसे करना है निष्पक्षता के साथ में और पवित्रता के साथ में, ये आज वर्कशॉप में उनको बताया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।